एप्पल के स्टोर्स तो बस झांकी है, 24 ग्लोबल ब्रांड आना बाकी है। दुनिया भर में मंदी के बीच भारत आ रहे दुनिया के दिग्गज 24 ब्रांड। रूस, ब्रिटेन, फ्रांस को पछाड़कर भारत की जीडीपी पहुंची $3.75 trillion। इन दिनों दुनिया भर में भयंकर मंदी का दौर चल रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका तो छोड़ो, ब्रिटेन, अमेरिका तक की हालत पस्त हो गई है, लेकिन भारत लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। भारत की जीडीपी साल 2023 में $3.75 trillion तक पहुंच गई है, जो कि साल 2014 में लगभग $2 trillion थी। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। खैर, बीते दिनों एप्पल ने इंडिया में 2 स्टोर खोले, जहां से उसे शानदार रिस्पांस मिल रहा है। और अब खबर आ रही है कि इस साल 4-5 नहीं बल्कि पूरे 24 इंटरनेशनल ब्रांड भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, 10 साल में पहली बार लग्जरी 24 इंटरनेशनल ब्रांड्स भारत में निवेश करने वाले हैं। साल 2020 में भारत में सिर्फ 1 ग्लोबल ब्रांड आई थी, 2021 में 3 और 2022 में 11 ग्लोबल ब्रांड भारत आए, और इस साल यानी कि 2023 में दुनिया के 24 दिग्गज ब्रांड भारत में एंट्री के लिए बेताब हैं। दरअसल दुनिया की टॉप 5 कंज्यूमर मार्केट में शुमार भारत में उपभोक्ता खर्च लगातार बढ़ रहा है। आबादी के मामले में भी भारत टॉप पर है, इसके चलते ग्लोबल कंपनियों को यहां बड़ा मौका नजर आ रहा है। जो बड़े ब्रांड भारत में जल्द ही इतना स्टोर खोल सकते हैं, उस लिस्ट में इटली का लग्जरी फैशन ब्रांड रॉबर्टो कैवली, ब्रिटिश लग्जरी गुड्स ब्रांड डनहिल और अमेरिकी स्पोर्ट्स वियर एंड फुटवियर रिटेलर फुटलॉकर, इटली की लवाजा और अरमानी कैफे, अमेरिका की जम्बा और ऑस्ट्रेलिया की द कॉफी क्लब का नाम शामिल है। इसके अलावा कुछ ब्रांड हाल ही के दिनों में अपना स्टोर खोल चुके हैं, उसमें वैलेंटिनो, मैक्लारेन और बैरिसिंगा, पोचीबान, प्रिंटे मैंगर, टिम्स हॉर्टन्स और पोपी जैसे बड़े नाम शामिल है। जितनी भी कंपनियां भारत में आने की जुगत में हैं, उनमें से अधिकतर भारतीय कंपनियों के साथ टाई अप कर रही है। रिलायंस ब्रांड्स और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कई विदेशी ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप कर रही है। हाल ही के वर्षों में रिलायंस के पोर्टफोलियो में 50 विदेशी ब्रांड जुड़े हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि दुनिया भर के दिग्गज ब्रांड भारत आना चाहते हैं? इसके पीछे कुछ अहम कारण हैं। पहला, भारत फिलहाल 47.3 करोड़ उपभोक्ताओं वाला विशाल बाजार है। दूसरा, भारत की रिटेल इंडस्ट्री इस दशक सालाना 9% की रफ्तार से बढ़ने की संभावना है। तीसरा, अगले 3 वर्षों में रिटेल इंडस्ट्री 11.62 लाख करोड़ होने का अनुमान है। चौथा, इस साल देश में 3.10 करोड़ उपभोक्ता बढ़ने का अनुमान है। पांचवा, रिटेल स्पेस में निवेश के लिए भारत अभी सबसे आकर्षक देशों में शुमार है। और छठा, भारत में व्यापार को आसान बनाने के लिए सरकार ने शानदार इकोसिस्टम तैयार किया है। उम्मीद है कि दिग्गज ब्रांड एक बार भारत के रिटेल मार्केट में एंट्री करेंगे तो आगे चलकर वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दे, क्योंकि भारत सबसे सस्ती और क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग में चीन, वियतनाम को पीछे छोड़ चुका है। एप्पल के आईफोन, एयरपॉड्स आज मेक इन इंडिया हो गए हैं। नाइकी और एडिडास जैसे ग्लोबल ब्रांड भी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ इंडिया तेजी से वर्ल्ड फैक्ट्री बन रहा है, वहीं दुनिया भर के दिग्गज ब्रांड इंडियन रिटेल मार्केट में आना चाहते हैं, ताकि वो भारत की तरक्की के साथ आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।